हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज एसेट्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं संपत्तियां। रियलिटी में ये वो टॉपिक है जो कभी कभी स्टार्टिंग स्टेज में बच्चों को डाउट में भी डाल देता है कि ये रियलिटी में होता क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे घर के एग्जाम्पल से। अगर हमारे घर में हम चारों तरफ देखें या अपने रूम में देखें तो हमारे सामने काफी कुछ ऐसा रखा होता है जिसको हम एसेट्स या दूसरी लैंग्वेज में आज तक जिसको हम प्रॉपर्टी कहते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो घर की बिल्डिंग है हम उसको ही प्रॉपर्टी बोलते हैं। रियलिटी में घर के अंदर जो कुछ भी हमारा रखा हुआ है, जो भी हमारा है, हम हर एक चीज को हमारी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में रखी हुई हमारी टेबल, हमारे कपड़े, हमारे बिल्डिंग, हमारी जो घर की बिल्डिंग है, हमारा जो पैसा हमारे घर में रखा हुआ है, हमारी जो फिटिंग्स है, चाहे वो बिजली की फिटिंग हो सकती है या हमारी कुछ फर्नीचर की फिटिंग्स, जैसे अलमीरा आपने देखी होगी जो हमारी दीवारों में फिट होती है, वो अलमीरा, उसको भी हम कह सकते हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हमारा जो डबल बेड है या हमारी जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन, यस, रेपुटेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं लोग आपको उधार भी दे देते होंगे। रेपुटेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं मार्केट में आपका नाम भी है, तो ये भी आपकी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एलईडी है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है, आपके बैंक में आपका रखा हुआ अमाउंट है, हमारे बैंक में जो हमारा अमाउंट जमा है वो कह सकते हैं, हमारे घर में लगी हुई हमारी अलमीराज, हमारी विंडोज, हमारी वॉशरूम्स के अंदर रखी हुई हमारी बकेट्स, आपका टूथपेस्ट, आपका टूथब्रश, अगर हमने किसी इंसान से पैसा लेना है तो जितना पैसा हमने उससे लेना है डेफिनेटली वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो घर में देखें तो घर में ये सारी चीजें हमें देखने को मिली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर की बिल्डिंग ही प्रॉपर्टी में आती है, घर में जो भी आपका रखा हुआ है, आपको दिखाई देता है, वो सारी प्रॉपर्टीज में ही आती है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं एक दुकान के अंदर। अगर आप किसी कन्फेक्शनरी की शॉप पे या किराना की शॉप पे जाओ तो आप उसमें देखना उस दुकान के अंदर क्या फर्नीचर लगा हुआ हो सकता है, दुकान के बाहर साइन बोर्ड जिसके ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ होता है, दुकान के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्रिज भी होगा, ऊपर फैन भी लगा हुआ होगा, एयर कंडीशनर भी हो सकता है वहां पर, दुकान के अंदर कहीं ना कहीं मिरर या ग्लासेस भी लगे हुए हो सकते हैं, दुकान का फर्नीचर, उस फर्नीचर के अंदर रखा हुआ दुकान का पैसा, दुकान के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान, तो वो क्या है, उस दुकान का एसेट्स में काउंट होगा। यस, हम उस दुकान की बिल्डिंग को भी उस दुकान की एसेट्स कह सकते हैं। तो अगर आप किसी दुकान में विजिट करेंगे तो आप देखना वहां पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हम कह सकते हैं कि उस बिजनेस की, उस दुकान की क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी फैक्ट्री में विजिट करते हैं, फैक्ट्री में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री के अंदर फर्नीचर, फैक्ट्री के अंदर फैन, एयर कंडीशनर, फैक्ट्री की मशीनरीज, फैक्ट्री में कोई प्लांट लगा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा माल, गुड्स रखा हुआ हो सकता है जो प्रोडक्शन में काम आता है। तो फैक्ट्री के अंदर विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। फैक्ट्री का कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है तो वो भी फैक्ट्री की एसेट्स में काउंट होगा। फैक्ट्री ने अगर किसी पर्सन से पैसा लेना है तो जितना पैसा लेना है वो भी फैक्ट्री की एसेट्स में ही काउंट होगा। फैक्ट्री की रेपुटेशन, जिसकी वजह से फैक्ट्री इतने सालों से चल रही है, जिसकी वजह से फैक्ट्री का माल बहुत जल्दी कस्टमर खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर रेपुटेशन अच्छी है तो वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल हो जाता है। तो मतलब रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री की एसेट्स में ही काउंट होने वाला है। तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल आई थिंक समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या कह लीजिए कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर कह लीजिए हमारे पास जो कैश हमारे पास रखा हुआ है वो हमारी एसेट्स। अगर हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस, वो भी हम एसेट्स में काउंट कर सकते हैं। हमारे बिजनेस की जो भी बिल्डिंग है या कोई हमारी जमीन है, लैंड, फर्नीचर है, फिक्स्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है, जितने लोगों से हमने पैसा लेना है, मतलब बिजनेस की नॉलेज में, बिजनेस की वर्डिंग में हम उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स, जितने लोगों से हमने पैसा लेना होता है वो लोग हमारे क्या कहे जाते हैं, डेटर। बिजनेस में, बिजनेस की कार, बिजनेस का कोई भी मोटर व्हीकल है, कोई बाइक है, चाहे बिजनेस के अंदर हमने यूज करने के लिए घोड़ा रखा हुआ है, लाइव स्टॉक, उसको भी हम बिजनेस की एसेट्स काउंट करने वाले हैं। इसी तरह से बिजनेस के अंदर जो भी हमारे पास माल रखा हुआ है, जैसे मैं आपको अभी फैक्ट्री का एग्जांपल दे रहा था,
चाहे वो प्रोडक्शन हो चुका है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, या वो आधा बन चुका है, या वो आधा कच्चा है, तो उसको हम कह सकते हैं हमारा गुड्स। इसी तरह से हमारे बिजनेस की जो गुडविल है, गुडविल को अभी मैं क्या बोल रहा था, रेपुटेशन। इसी रेपुटेशन को बिजनेस की वर्डिंग में क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी को पैसा एडवांस में पे किया हुआ है और उसने काम अभी तक पे किया नहीं है, उसने काम अभी तक पूरा किया नहीं है, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हमने किसी को एडवांस में पैसा पे किया हुआ है तो उसको हम बिजनेस की नजरों में बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये टॉपिक भी हमारा एसेट्स की काउंटिंग में ही आता है। तो अगर आप ये सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप किसी शॉप में विजिट कीजिए, या किसी फैक्ट्री में विजिट कीजिए, या किसी कंपनी में विजिट कीजिए, तो वहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने टॉपिक कहां से स्टार्ट किया, हमारे घर के एग्जांपल्स के साथ, और आपको लेके गया एक शॉप के अंदर, फिर फैक्ट्री के अंदर, और वही सारे एग्जांपल्स मैंने क्लब कर दिए, और मैंने वो सारे एग्जांपल्स एक साथ यहाँ पर मर्ज कर दिए। ये सारे एग्जांपल्स कहीं ना कहीं आपको आपकी बुक में भी स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप 11th के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं, अकाउंट स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी वर्डिंग्स आपको पहली बार स्टडी करने को मिल सकती है। तो पहली बार अगर ये वर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो ये वर्डिंग्स बहुत ईजी है। तो समझ लीजिए जो कुछ भी आपके पास है, आपका है, तो हम उसको प्रॉपर्टी में या बिजनेस की वर्डिंग में हम उसको अब क्या कहेंगे, एसेट्स। यस, ये वर्ड अब आपको एसेट्स की फॉर्म में ही स्टडी करना होगा। तो आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपके सामने 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट होगा, तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो अगर आप कोई पार्टिकुलर कोई टॉपिक या वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।